एक अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी यूजर को ट्विटर पर ब्लॉक करने पर रोक लगा दी है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया है। क्या भारत में ऐसा कानून लाया जा सकता है? इस बारे में हमारे संवाददाता रमन ममगई ने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रंप किसी को अपने ट्विटर हैंडल में ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जिन लोगों को ब्लॉक करते हैं वो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हैं। पवन जी, पहले तो उनके हिसाब से, उनके लॉज के हिसाब से ये कहा गया कोर्ट ने कि भाई आप ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी देते हैं, आपका जो ट्विटर हैंडल है अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, तो कोई सिर्फ आपके आलोचना कर रहा है इसलिए आप उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। अमरीकी अदालत ने अमरीकी संविधान के जो सिद्धांत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया है और कहा है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, खासतौर पर संविधान के पहले संशोधन को लेकर। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं किसी भी ट्विटर यूज़र को ब्लॉक नहीं कर सकते, चाहे वो उनके आलोचक ही क्यों ना हो, क्योंकि आलोचना जो है वो भी स्वयं अपने आप में जो अमरीकी संविधान है उसके सिद्धांतों के तहत प्रोटेक्टेड मानी जाती है। एक तर्क इसमें ये दिया जा रहा है कि अगर वो उनका व्यक्तिगत अकाउंट है तो शायद वो ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या इसमें इस तर्क का जवाब निकल के आ रहा है कोर्ट के बाद? देखिए, इस कोर्ट के फैसले के बाद ये बहुत बड़ी क्लियर बात हो गई है कि अब कोर्ट ने लीगल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कर दी है, रिकॉग्निशन करते हुए इस बात को लेकर कि ट्विटर एक पब्लिक फोरम है। सर, अगर भारत की बात करें तो हमें भी संविधान में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बहुत महत्व दिया गया है, तो हमारे यहाँ तो आलोचना सुनना लोगों को कम ही पसंद होता है, तो क्या हमारे यहाँ भी ये माना जा सकता है कि आप ट्विटर पे ब्लॉक नहीं कर सकते अगर आप किसी पद पे हैं? देखिए, भारतवर्ष में अभी इस तरह के कानून या जो ये लीगल डिसीशन आया है उसका क्या असर होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पर फर्क है अमरीका और भारत को लेकर। यानी कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन आप इसकी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए किसी की मानहानि नहीं कर सकते, और कोई व्यक्ति चाहेगा जो उनको ब्लॉक किया गया है तो वो कानूनी सहायता भी ले सकता है। चलिए, अगर उसकी पूरी बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में से देखें, तो अगर आप अपनी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, अपने व्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो शायद आपको आलोचना के चलते किसी को ब्लॉक करने की जरूरत ना पड़े, और उम्मीद करते हैं कि यहां किसी को कोर्ट में जाने की भी जरूरत ना पड़े। रफीक के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।